थैंक यू सॉरी वेलकम वेलकम। और देख क्या रहा ब्रो? ओ भाई ओए, तू इतना अमीर, तू इतना अमीर हो गया? अमीर लगा दिया, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ दो ड्राइंग है, एक पे मैंने कलर कर रखा है। Back to my new vlog. Sorry, good morning नहीं हो रहा अभी, क्योंकि आज हम vlog बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, करीब 1 बजे नहा वहा कर हम तैयार हैं। बट यस, अभी कुछ स्केचिंग कर रहा है। क्या क्या स्केच करा तुमने सुबह से अब तक? हाँ, तो अभी इसने बस 2 स्केच करे हैं, और हमने जो भी कल ड्राइंग करी है, जो भी मतलब स्केचिंग करवाए हैं, वो हम यहाँ लगाने वाले हैं अपने टेबल के जस्ट, मतलब रिंग लाइट के जस्ट ऊपर। यहाँ पर 2 स्केचेस यहाँ एंड 2 स्केचेस यहाँ। तो हम सोच रहे हैं कि पहले एक बार एक और स्केच बना लें, जब उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करते हैं। एंकर बना ले, तो बहुत इजी है भाई, इजी है एंकर बनाना। इसमें है क्या? देख ऐसे है, लाइन खींचो। अरे मैं दिखा रहा हूँ, पर इसमें कोई अलग सी चीज की पहले बनाओ इसको। पूरी एस्थेटिक गाइस, मिलते हैं जैसे ही अपने स्केचेस कंप्लीट होते हैं। सो गाइस, अभी हम सोच रहे हैं कि चिपका लेते हैं, जो तुमने भी स्केचेस बना दिए यश ने, तो यश थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे इसको थैंक यू बोलना। थैंक यू सॉरी वेलकम वेलकम। अभी हम ढूंढेंगे ग्लू चिपकाने के लिए, क्योंकि अगर हम ग्लू लगाएंगे तो सफेदी पूरी हड़ी आएगी। ग्लू लगाएंगे तो सफेदी हड़ी आएगी, इसलिए हम कुछ और इंतजाम ढूंढ रहे हैं। तो गाइस, अभी हम तो क्योंकि हमारे सारे, यह तिजोरी बक्सा मिल गई गाइस। गाइस और ये चक्र वाटर कलर वाली बनाएंगे। सही, 11 साल के हैं। पेंसिल्स भी हैं गाइस, अभी इसको हम रख देते हैं। और सफेदी हटेगी तो नहीं हटेगी भाई, नहीं आएगी सफेदी है। तो गाइस, अभी हम चलते हैं। ब्लू मिल चुका है, हम चलते हैं दूसरे रूम में जहाँ पर हमें लगाना है लाइट। वेयर इज गो पेंट गो, स्केचेस का है बेबी, निकालो तुम अपने बैग से। ये तो कुकी ने बनाई है, ये तो कुकी ने बनाई है। दूसरा देखा, दूसरा मैं तेरा कहाँ है गवार। मैं तो क्या बोलता हूँ, जो तूने वो नहीं बनाया फ्लैक्स बनाया, उनको ना एक पेपर पे चिपका चिपका के यहाँ चिपका देता हूँ, तो नया दोबारा बना लियो ना। देख सकते हैं हमारी दो स्केचेस रेडी हैं। 2 ही बनाए थे बस, 3 एक तो ने बिगाड़ दिया शायद, वो जूते वाला तो पकड़। जिंदगी से जाने का क्या लोगी तू? देखते कि कहां से लगेगा। इधर कौन है, मत यार। अरे और भी तो कुछ चिपकाने, पर धक्का लगेगा ना यहाँ पे। हाँ, पूरी दीवार भरेंगे क्या? हाँ मतलब इतना तो बदला ना हो भाई। हाँ तो रुको, मैं बताता हूँ, रुको। बस यहाँ से चिपको, बढ़िया लगेगा। नहीं नहीं बिल्कुल कोने में। चलो ठीक है। कहाँ पे? हाँ सही है। हाँ बड़े ले चिपका दूँगा। हाँ वाओ गाइस वाओ, इनका तो यहाँ पर दो मैच है, या एक इसके ऊपर बकवास लगेगा। तो फिर बकले वाली तो आप कर रहे हो, आइडिया तो मम्मी जी ने दिया था, इसमें मैंने दिया था। यहीं पर चिपका रहा ना, यहाँ पर। हाँ वहाँ सामने गाइस, पहली पेंटिंग, पेंटिंग ड्राइंग स्केच टेढ़ी चिपकाई है। सही है, टेढ़ी का केला मुंह है इसका। हाँ बात सही गाइस, देख सकते पहली पेंटिंग चिपका दी सिनेमैटिक, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स, हटो सिनेमैटिक लेंगे। स्केचेस रेडी है, देख सकते हैं आप। जहाँ मैंने वादा करा था कि जहाँ मेरे को लगाना है एग्जैक्ट, मैंने वहीं लगाए हैं। यस तो बोल रहा था भैया वहाँ लगा दो, मैंने बोला तू तो बचता नहीं लगे पता। तो आ, आ!
सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पर। एक्चुअली हम गए थे ऑफ रोडिंग पे के लिए, बट हमने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम ऑफ रोडिंग ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमने कंटिन्यू 2 घंटे अपनी ऑफ रोडिंग करी, साथ में यश भी था पर अभी वो बाहर बैठा है। और अभी चल रहा है हमारा ये, देख सकते हैं, बनाना शेक, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमें। आई मीन टू से दैट मुझे, क्योंकि बॉडी बहुत दर्द हो रही है भाई। जो लैग कर वो जो पैडल मारने में ना लैग की एक्सरसाइज हुई है ना भाई, साइकिल से ना बहुत सही एक्सरसाइज होती है, मतलब कि पैरों की जो एक्सरसाइज हुई ना मुझे बता नहीं पा रहा। तो मेरे से पार्क में वॉक भी नहीं हो पाई, मैंने वॉक करी नहीं क्योंकि ऑलरेडी पैरों की भी वॉक, पैरों की एक्सरसाइज मेरी सही हो गई थी साइकिल से, मैंने ज़्यादा वॉक करी नहीं। यश राउंड मारता रहा पार्क में, जिससे भी इसको पीकर मिलते हैं गाइस के। इसने बोट का लीड डाल तो ज़्यादा हीरो बन रहा है। और देख क्या रहा ब्रो, ओ भाई ओए, तू इतना अमीर, तू इतना अमीर हो गया, तू स्पूट पर चलाने लग गया है, तू स्पोटिफाई कब चलाने लग गया? ओ स्पोटिफाई चला रहा है, कौन सा गाना चल रहा है दिखा दो। जो जो स्केचेस बनाए थे वो हमने कम्प्लीटली चिपका दिए हैं, वो आप देख सकते हैं इतने दूर से दिख रहे हैं। बट हम सोच रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टेड बनाए, मतलब स्केच जो हमने, मतलब यश भी परेशान हो गया कि यश है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ का दिमाग नहीं चल रहा। आप कुछ सजेस्ट करें हमें कि हमें क्या बनाना चाहिए, हम एक और दिन रुक जाएंगे, बाकी रात में कुछ ना कुछ तो हम बनाएंगे, बट नेक्स्ट डे के लिए हम कुछ नया कर लेंगे, कुछ नया कुछ बना देंगे। बट सजेशन दो कि हमें क्या बनाना चाहिए, रूम के अकॉर्डिंग हमें क्या स्केच बनाना चाहिए और क्या ड्राइंग अच्छी रहनी चाहिए, पेंट वाली बनानी चाहिए या शेडिंग वाली बनानी चाहिए। बट यस बेचारा सुबह से स्क्रॉल डाउन करे जा रहा है, बट इसको बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा, परेशान हो गया बेचारा हमारा स्केचर। तो गाइस हमारी लास्ट स्केच बन के रेडी है, बट हम अभी उसको रिवील नहीं करना चाहते। एक्चुअली जब हम कल नेक्स्ट ब्लॉग में हम उसको लगाएंगे तब हम, मतलब अभी वो आधी हुई है, पूरी वर्क नहीं हुई है ना, तो फिर हम सोच रहे हैं उसको कलर रिटेक करके पूरा देन जब उसको लगा देंगे, सोचेंगे लगाने की, तब आपको दिखाएंगे कि हमने क्या बनाया दूसरा स्केच। और थोड़ा स्टैटिक है और थोड़ा ट्राई कर देते कुछ अच्छा बन जाए, समझ में नहीं आया बट हमने बना दिया सोच समझ के जो हमें लगा अपने रूम के अकॉर्डिंग डेकोरेट करने के लिए। तो गाइस आप पूछ के ना, तो गाइस अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो, वो हम बनाएंगे, जो आप बोलोगे गाइस हम वो बनाएंगे। तो अभी हमने जो बनाया वो हम रिवील नहीं करेंगे, कलर के साथ पूरा रिवील करेंगे। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो बाय।